नमस्ते, मेरा नाम है अलिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। एसएसआर यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसका गठन किया था। 26 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपीएसएसएफ के गठन को मंजूरी दी थी। कैबिनेट बायो सर्कुलेशन के जरिए एसएसएफ के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत फोर्स को कई तरह की पावर दी गई है। अब ये कैसी शक्तियां हैं हम आपको बताते हैं। आज तक के पत्रकार शिवेन्द्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएसएसएफ के पास किसी अपराधी को बिना वारंट गिरफ्तार करने और उसके घर की तलाशी लेने के अधिकार होंगे। मतलब अगर फोर्स के किसी अधिकारी के पास किसी व्यक्ति पर जरा सा भी शक है और साथ ही उन्हें ये भी लग रहा हो कि गिरफ्तारी के वारंट को इशू कराने के दौरान अपराधी भागने या सबूत मिटाने का प्रयास कर सकता है, तो वो बिना वारंट के उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। साथ ही उसके घर की प्रॉपर्टी की तलाशी भी कर सकते हैं। अब सवाल है कि कहां-कहां तैनाती होगी। एसएसएफ पर राज्य के सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होगी। और अगर प्राइवेट कंपनी इस फोर्स की सेवा लेना चाहती है तो उन्हें इसके लिए पेमेंट करना होगा। इतना ही नहीं, बिना सरकार की परमिशन एसएसएफ के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी संज्ञान नहीं ले सकता, यहाँ तक कि कोर्ट भी नहीं। एसएसएफ की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर के अधिकारी इस फोर्स के मुखिया होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कई सारे ट्वीट इस संबंध में किए गए। सभी होम डिपार्टमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी को कोट करते हुए किए गए। अवनीश अवस्थी ने कहा, यूपीएसएसएफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में 9,919 कर्मी कार्यरत होंगे। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के रूप में प्रथम चरण में 5 बटालियन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इन बटालियनों के गठन हेतु कुल 1,913 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इस प्रकार 5 बटालियन के गठन पर कुल व्ययभार 1,747 करोड़ अनुमानित है, जिसमें वेतन, भत्ते और अन्य व्यवस्थाएं भी सम्मिलित हैं। इस मुद्दे पर जो भी जानकारी हमें आगे मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानकारी आप तक हमारे साथी उमा लेकर आई थी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।